प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। मार्च से अब तक राष्ट्र के नाम ये होगा प्रधानमंत्री का चौथा संबोधन। भारतीय रेलवे आज से चुनिंदा 15 मार्गों पर यात्री रेल सेवा की करेगी शुरुआत। श्रमिक विशेष ट्रेनों के अलावा चलेंगी 15 जोड़ी विशेष रेलगाड़ियां। इन ट्रेनों के लिए सिर्फ IRCTC की वेबसाइट पर ऑनलाइन ही बुक कराई जा सकेंगी टिकट। श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं अपने अपने घर। कुल 513 श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए 6 लाख से ज्यादा श्रमिकों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया गया। दुनिया भर में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन वंदे भारत का आज 6ठा दिन। देश के कई हिस्सों में पहुंची 7 उड़ानें। कई अन्य जगहों से भारतीयों को लेकर आज स्वदेश पहुंचेंगे विमान। भारतीय नौसेना के मिशन समुद्र सेतु के जरिए भी भारतीयों को स्वदेश लाने की प्रक्रिया जारी। भारत में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 46,008। इलाज के बाद 22,454 लोग ठीक हुए। वायरस के संक्रमण से 2,293 लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 41,78,000 के ऊपर। 2,86,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना से 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्रिटेन, इटली, स्पेन और फ्रांस भी बुरी तरह से प्रभावित। और खबरें अब विस्तार से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले 19 मार्च, 24 मार्च और 14 अप्रैल को भी प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया था। तो राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का मार्च से अब तक की चौथा संबोधन। और इस खबर पर बात करते हैं हमारे संवाददाता सुधाकर दास से। तो प्रधानमंत्री का आज राष्ट्र के नाम मार्च के बाद चौथा संबोधन है। हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। इसके अलावा शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका सुधाकर। आपसे सवाल है, आज प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे रात 8 बजे देश को, क्या देश को लॉकडाउन के चौथे चरण में बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप? बेहद ही महत्वपूर्ण है। देखिए, खास तौर से आपने जिक्र किया, चौथी बार प्रधानमंत्री संबोधित करने वाला। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जब राष्ट्र को संबोधित करते हैं, जब वो देश से बात करते हैं, बेहद ही अहम होता है। और एक ऐसे समय में जब कल ही उन्होंने मुख्यमंत्रियों से, देश के तमाम मुख्यमंत्रियों से संवाद किया है, 6 घंटे की बैठक की है, और हमको पता है कि 17 मई को जो लॉकडाउन का तीसरा पीरियड है वो खत्म होने वाला है, तो उस दौरान ये पूरा संबोधन हो रहा है, तो उस लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। और आप पिछले संबोधनों को याद कीजिए रजनी, तो एक तरह से हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने ना सिर्फ देश को तैयार किया इस बड़ी लड़ाई के लिए, संकट के मुकाबले के लिए उनको एकजुट किया, बल्कि हौसला भी बढ़ाया कि एकजुट होकर सब मिलकर हम इस बड़ी लड़ाई में कामयाब हो सकते हैं, इस बड़ी लड़ाई में जीत सकते हैं। और हमने देखा कि पिछले 2-2.5 महीनों में किस तरह से देश ने, जिस देश में पीपीई किट का उत्पादन नहीं होता था, N95 मास्क नहीं बनते थे, और किस बड़े पैमाने पर आज उत्पादन हो रहा है। और कुछ दिनों बाद हम इस तरह की स्थिति में होंगे कि एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, कोविड अस्पतालों का निर्माण हो या तमाम चीजें हो। लेकिन निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जब आज बात करने वाले हैं तो तमाम लोगों की नजर इस बात पर होगी कि आने वाले समय को लेकर क्या कुछ वो बात करने वाले हैं, क्या कुछ उनकी रणनीति होने वाली है। और कल की अगर उनकी बात देखें तो कल उन्होंने संदेश दिया था जन से लेकर जग तक। और इससे पहले उन्होंने जो संदेश दिया था, सबसे पहला आपको अगर उनका संबोधन याद हो तो उस समय जनता कर्फ्यू की बात उन्होंने की थी, और 130 करोड़ के देश ने किस तरह से उस जनता कर्फ्यू को अभूतपूर्व बनाया था, कोरोना वॉरियर्स को एक तरह से याद किया था। उस दिन हमने देखा 24 मार्च को जब प्रधानमंत्री ने दूसरी बार संबोधित किया तो उन्होंने जान है जहान भी की बात की थी, और साथ ही साथ पहली बार लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया था। और भारत जैसे देश में अनुशासित तरीके से किस तरह से लॉकडाउन चला है ये पूरे देश ने देखा। तीसरी बार जब उन्होंने बात की तो जान के साथ जहान की भी बात की, और हमने देखा कि किस तरह से
आर्थिक गतिविधियों को खासतौर से तेज गति से चलाने के लिए बड़े और अहम फैसले लिए गए। और आज जब चौथी बार प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों से उनकी बात हो चुकी है, एक तरह से जब वो ये बात कह रहे हैं कि एक संतुलन होना चाहिए स्वास्थ्य की चिंता करते हुए अन्य गतिविधियों को कैसे तेज किया जाए, उसके बीच उस लिहाज से काफी अहम हो जाता है प्रधानमंत्री जो आज संदेश देने वाले हैं। जब ये प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि कोरोना का कोई वैक्सीन नहीं बना है, सोशल डिस्टेंसिंग हमारे लिए सबसे अहम हथियार है, 2 गज की दूरी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। उस लिहाज से प्रधानमंत्री आज क्या कुछ देशवासियों को कहेंगे, क्योंकि जब वो बात करते हैं, हमने पहले भी देखा कि चाहे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हो, तमाम अन्य लोगों के साथ बैठक हो, और सब लोगों ने प्रधानमंत्री से यही अपील की, निवेदन किया कि आप लगातार देश से बातचीत करते रहे, देश को संबोधित करते रहे, और एक तरह से उन्होंने मनोबल बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने भारत की जो एक सामूहिक शक्ति उसको याद कराया, जिस सामूहिक शक्ति के सहारे पिछले हमने देखा 5-6 वर्षों से देश ने बड़े काम किए, उस सामूहिक शक्ति के सहारे पिछले 2-2.5 महीनों में हमने एक कह सकते हैं भारत को इस मुकाम पर पहुंचाया है कि हम प्रभावी तरीके से इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को मुकाबला कर रहे हैं और अपने देश की कई महत्वपूर्ण जिंदगियां भी बचा रहे हैं। उस लिहाज से लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री क्या कुछ सोचते हैं, आने वाली स्थितियों को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, जब प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं कि कोरोना के बाद का काल कोरोना के पहले के काल से काफी कुछ अलग होने वाला है, तो इन सबसे उनका क्या मतलब है, तो इन तमाम चीजों पर जब वो देश से बात करेंगे तो तमाम देशवासी जरूर सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, देशवासी हर बार प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं और जो कहते हैं उसका पालन पूरा देश करता है। और कोरोना के से लड़ने के वक्त भी हमने देखा है कि देश भर में लॉकडाउन का जिस तरीके से पालन किया गया प्रधानमंत्री की अपील के बाद, वो निश्चित रूप से सराहनीय था। शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आज प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, यदि देश लॉकडाउन की तरफ, चौथे चरण की तरफ बढ़ता है, तो निश्चित रूप से इसका क्या बदला हुआ स्वरूप आप देखते हैं, ऐसे में जब प्रधानमंत्री ने कल मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी महत्वपूर्ण बैठक की है और कहा गया है कि कोरोना को किसी भी हाल में ग्रामीण स्तर तक, ग्रामीण अंचल तक पहुंचने से रोकना है। देखिए, सभी को इंतजार करना होगा जब प्रधानमंत्री आज शाम देश को संबोधित करेंगे और किन अहम बातों का जिक्र करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अब इस बात पर बहुत फोकस है, चूंकि बड़ी संख्या में श्रमिक वापस अपने गांव भेजे जा रहे हैं, अपने घरों को भेजे जा रहे हैं पूरी एहतियात बरतते हुए। और कल जो मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उसमें इस बात पर खास जोर दिया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हम जानते हैं कि पहले ही कहा था कि 2 गज दूरी का बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखना, यानी सामाजिक जो दूरी है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका बहुत पालन किया जाए, इस बात को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जानते हैं कि लॉकडाउन में जो ऑरेंज जोन है, जो ग्रीन जोन है, उसमें बहुत सारी गतिविधियों को छूट दी गई है। रेड जोन में भी देखें तो सीमित स्तर पर जो पहले के मुकाबले जो कड़ाई है उसमें थोड़ी सी छूट जरूर दी गई है। तो निश्चित तौर पर अब आगे की राह क्या होगी, चूंकि COVID-19 के बाद जो तमाम सारे अवसर आने वाले हैं उसको लेकर भी मुख्यमंत्रियों की बैठक में चर्चा हुई, लेकिन सबसे ज्यादा जोर अभी इस बात पर है कि ग्रामीण इलाकों में जो कोरोना है, जो COVID-19 है, उसका खतरा ना बढ़े। चूंकि बड़ी संख्या में श्रमिक अब गाँव की ओर जा रहे हैं, उनको वापस भेजा जा रहा है, उसके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, राज्य बसों का इंतजाम कर रहे हैं, तो ऐसे में जो राज्यों की जिम्मेदारी है और एक अवेयरनेस उसको लेकर किस तरह से आगे बढ़ना है, चूंकि बड़ी चिंता इसी बात को लेकर है कि किस तरह से राज्यों में जो जिलों में है जो लोग जा रहे हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए, उनका पूरा ध्यान रखा जाए। और हम जानते हैं कि ये अपील भी कल गृह मंत्रालय की तरफ से की गई थी कि राज्य सहयोग करें ज्यादा से ज्यादा श्रमिक ट्रेन चलाने में, और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करें कि सड़कों पर या रेल पटरियों पर जो कुछ खबरें आई कि श्रमिक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कम से कम वो सुनिश्चित करें, कि निकट के जो शेल्टर होम जी में रखें, भोजन पानी की व्यवस्था करें, तो जरूर है जी। तो कोविड संक्रमण को देखते हुए जिस तरीके से देश चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसको देखते हुए आज राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन बेहद अहम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर दास आपका और शैलेंद्र मिश्र आपका हमसे जुड़ने के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन की वजह से देश भर में फंसे लोगों को आज से कुछ राहत मिलेगी। भारतीय रेलवे आज से चुनिंदा मार्गों पर 15 जोड़ी ट्रेनों की शुरुआत कर रही है।
ये विशेष ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेंगी और डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, बदगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी को जाएंगी। गृह मंत्रालय ने चुनिंदा स्पेशल ट्रेनों की आवाजाही के लिए SOP जारी किया है। इसके मुताबिक ट्रेनों की आवाजाही और परिचालन के अलावा टिकट्स, बुकिंग और अन्य जानकारियां रेलवे व्यापक तौर पर प्रचारित करेगा। इन रेलगाड़ियों के लिए टिकट की बुकिंग कल से ही शुरू हो गई है। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने वाली ट्रेनों का सिलसिला लगातार जारी है। मुंबई से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन 1230 प्रवासी मजदूरों को लेकर तड़के 2:20 पर कलबुर्गी रेलवे स्टेशन पहुंची। वहीं गोवा से 1050 प्रवासी कामगारों को लेकर श्रमिक विशेष ट्रेन उधमपुर के लिए रवाना हुई। गोवा से रवाना हुई ये दूसरी श्रमिक ट्रेन है। उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि उधमपुर रेलवे स्टेशन पर तैयारी पूरी कर ली गई है। एक गोवा से आ रही है और एक बेंगलोर से आ रही है। एक ट्रेन में अप्रॉक्सीमेटली 1100 लोग होते हैं। इसमें स्टूडेंट्स भी हैं, लेबरर्स भी हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने या उधमपुर रेलवे स्टेशन ने एक पूरा इलैबोरेट अरेंजमेंट किया है, जिसमें जैसी ट्रेन आती है उसको एक IT प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर के जरिए उनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी और हर कोच के पीछे 2 ऑफिसर रहेंगे जो जैसे ही कोई एक एक करके उतरते जाएंगे वो अपना 30 सेकेंड्स में पर पैसेंजर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। इस पूरे इलैबोरेट प्रोसेस में हमारी कोशिश है कि 30-35-40 मिनट्स में रजिस्ट्रेशन से उनको बाहर होल्डिंग एरियाज में वो आ जाएं। उसके बाद पैक्ड फूड पैकेट्स, पानी का इंतजाम, ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स, कंसर्न नोडल ऑफिसर्स सभी टाइड अप हैं और कंसर्न बसेस में उनको कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए रवाना किया जाएगा। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि इस वायरस को फैलने से कैसे रोका जाए और किस प्रकार स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए। कोरोना वायरस के खिलाफ भले ही दवा नहीं है, लेकिन समय रहते इसके लक्षणों का पता चल जाए तो इलाज संभव है। क्या है लक्षण? तेज धड़कन, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ होना, छींक आना, खांसी आना। भारत में COVID-19 के ताजा आंकड़ों की बात करें तो भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 46,008 हो गई है, जबकि 22,454 लोग स्वस्थ होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं। वहीं 2,293 मरीजों की मौत हो गई है। सरकार की कोशिश है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके, इसीलिए लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। और गृह मंत्रालय ने चुनिंदा स्पेशल ट्रेनों की आवाजाही के लिए SOP जारी की है। इन रेलगाड़ियों में आरक्षण के लिए टिकट केवल IRCTC की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी। रेलवे स्टेशन पर स्थित टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे और बुकिंग काउंटर पर कोई भी टिकट प्लेटफॉर्म टिकट सहित जारी नहीं किया जाएगा। केवल वैध कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशनों में प्रवेश करने की अनुमति होगी। यात्रियों के लिए फेस कवर या मास्क लगाना अनिवार्य होगा और ट्रेन के प्रस्थान करने के समय उन्हें अपनी स्क्रीनिंग करानी होगी। केवल उन्हीं यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी जिनमें इस रोग का कोई भी लक्षण नहीं होगा। ट्रेनों के परिचालन कार्यक्रम सहित विस्तृत विवरण उचित समय पर अलग अलग जारी किए जाएंगे। तो रेल यात्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। उन्हीं यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं होंगे। वहीं ट्रेनों के परिचालन कार्यक्रम सहित विस्तृत विवरण उचित समय पर अलग अलग जारी किए जाएंगे। और
विदेशों में फंसे भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत भारत वापस लाने का अभियान चलाया जा रहा है। इस मिशन के तहत कई देशों से सैकड़ों यात्रियों को लेकर विमान स्वदेश पहुंच रहे हैं। 243 यात्रियों को लेकर एक विमान सिंगापुर से दिल्ली पहुंच गया है। वंदे भारत अभियान के तहत सिंगापुर से भारत आने वाली ये तीसरी फ्लाइट है। सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग ने इस मुश्किल वक्त में भारतीयों को मदद के लिए एयर इंडिया, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सिंगापुर का शुक्रिया अदा किया है। इस बीच सैन फ्रांसिस्को से 225 लोगों को लेकर मुंबई पहुंचने वाली फ्लाइट के यात्रियों ने ताली बजाकर क्रू मेंबर्स का धन्यवाद किया। वहीं दूसरी तरफ दुबई से 177 फंसे भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट कोच्चि पहुंची। इसी कड़ी में आज सुबह 3 बजे एक फ्लाइट मनीला से अहमदाबाद आई। इस फ्लाइट द्वारा 139 छात्रों को वापस लाया गया। और वंदे भारत मिशन के तहत आज एयर इंडिया का विमान बांग्लादेश में फंसे भारतीयों को लेकर रवाना हो चुका है। ढाका से श्रीनगर के लिए आने वाले इस विशेष फ्लाइट से आज 169 मेडिकल छात्रों की स्वदेश वापसी होगी। कोरोना के कारण ये सभी छात्र बांग्लादेश में फंस गए थे। इन यात्रियों ने स्वदेश वापसी के इंतजाम के लिए भारत सरकार का आभार जताया है। Along with the Jammu and Kashmir administration for being so understanding and cooperative. They planned our safe evacuation. We are very happy. और वंदे भारत मिशन के छठे दिन आज खाड़ी देशों के लिए 5 उड़ानों का संचालन होगा, जिसके तहत फंसे हुए 880 लोगों से ज्यादा लोग स्वदेश पहुंचेंगे। दुबई से 2 उड़ानें निर्धारित हैं, एक कन्नूर और दूसरी मंगलौर से। मंगलौर के लिए उड़ान में लगभग 40 गर्भवती महिलाएं, आपात स्थिति के 25 से ज्यादा मामले, कम से कम 3 दर्जन मजदूर, फंसे हुए पर्यटक और कुछ छात्र यात्रियों के रूप में शामिल होंगे। मस्कट से 180 लोगों के वापस चेन्नई आने की संभावना है। दमाम से कोच्चि में 160 से ज्यादा लोगों की वापसी होगी, जबकि दोहा से तिरुवनंतपुरम विशेष उड़ान लगभग 180 लोगों को घर वापस लाएगी। दोहा के लिए रविवार को तकनीकी कारणों के कारण रद्द किया गया विमान आज फिर से उड़ान भरेगा। इस बीच भारतीय नौसेना का समुद्र सेतु के तहत मालदीव से भारतीयों को वापसी अभियान जारी है। और केरल और लक्षद्वीप के फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए समुद्र सेतु मिशन के तहत भारतीय नौसेना का जहाज INS जलाश्व आज मालदीव्स की राजधानी माले के लिए फिर से रवाना होगा। मालदीव से 698 भारतीयों को लेकर भारतीय नौसेना का INS जलाश्व रविवार को कोच्चि पहुंचा था। माले में भारतीय उच्चायोग ने एक बयान में कहा है कि केरल के अलावा अन्य राज्यों, नई दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई और चेन्नई के निवासियों को निकालने के लिए भी योजना बनाई जा रही है। मालदीव सरकार द्वारा निर्वासित चिकित्सा आपातकाल, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, फंसे हुए पर्यटकों और परिवार में मृत्यु जैसी आपात स्थितियों से प्रभावित लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। मालदीव से कुल 900 लोगों को पहले ही निकाला जा चुका है। दूसरे जहाज INS मगर के आज कोच्चि पहुंचने की उम्मीद है। जहाज में 202 भारतीय नागरिक सवार हैं। और मिशन सागर के तहत भारतीय नौसेना का INS केसरी अपनी पहली मंजिल मालदीव्स के माले बंदरगाह तक पहुंच गया है। इसके जरिए मालदीव्स के लोगों को भारत की ओर से उपहार के रूप में 580 टन आवश्यक खाद्य पदार्थ पहुंचाए गए हैं। खाद्य पदार्थों में 200 टन चावल, 140 टन गेहूं और 80 टन चीनी शामिल है। COVID-19 से निपटने में मदद के उद्देश्य से भारतीय नौसेना के जलपोत केसरी को मालदीव्स, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स के लिए रवाना किया गया है, जिसमें COVID-19 से संबंधित आवश्यक दवाओं की खेप और जरूरी खाद्य सामग्री है। माले में भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि ये सहायता रमजान के पवित्र महीने के दौरान भारतीयों द्वारा मालदीव्स के लोगों के लिए दोस्ती के रूप में दिया गया एक उपहार है। और अब बात अफवाहों पर लगाम लगाने की। कोरोना संकट के इस दौर में दूरदर्शन न्यूज लोगों तक लगातार सही खबरें पहुंचाने की मुहिम में लगा हुआ है। इसी क्रम में आज हम आपको डेली एक्सेलसियर नाम के एक न्यूज पोर्टल पर एक खबर में दावा किया गया है कि लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में फंसे जम्मू कश्मीर के छात्रों से उनके कॉलेज प्रशासन ने घर वापसी के लिए
बसों का खुद इंतजाम करने को कहा है। पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने जब इस दावे की हकीकत जांची तो पता चला कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने कश्मीरी छात्रों से घर वापसी के लिए खुद का बंदोबस्त करने को नहीं कहा है। न्यूज पोर्टल की यह खबर पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक है। और वाराणसी की पहचान बाबा विश्वनाथ से है। इन दिनों लॉकडाउन में भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम चल रहा है और परंपरागत तरीके से होने वाली सभी आरती भी हो रही है। किसी भी श्रद्धालु का प्रवेश विश्वनाथ मंदिर में पूर्ण रूप से बंद है। इस मंदिर को लेकर कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि मंदिर का गुंबद गिर गया है, जबकि गुंबद अपनी जगह पर मौजूद है। इतना ही नहीं, यह गलत खबर भी फैलाई गई थी कि शाम को होने वाली सप्तर्षी आरती विधि पूर्वक नहीं हो रही है, जबकि पूरे दिन होने वाली 6 आरती पूरे विधि पूर्वक और परंपरागत तरीके से हो रही है। और यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हाय, माय नेम इज कनक लाल एंड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन आई एम यूटिलाइजिंग माय टाइम थ्रू online classes via e-learning. I am Bhavya and during this lockdown I miss my friends. So I am utilizing my time through video calling. I am enjoying this lockdown meeting because I am spending all my time with my family. आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। इस मौके पर सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अनूप बनर्जी ने कहा कि कोविड-19 महामारी में सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की नर्सेस लगातार कोविड-19 के मरीजों की देखभाल कर रही हैं। इसके साथ ही नर्सेस ने चीन के वुहान और ईरान में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने में अहम योगदान दिया है। हमारी जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के सदस्य हैं, इन्होंने अपने जान की बिल्कुल परवाह न करके कोविड के मरीजों को पूरी तरह से देखभाल किया और उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। ये कोविड के जब से कोविड जनवरी से पूरे विश्व में अच्छी तरह से प्रचार और छिड़ी हुई है, तब से ये हमारी ये सदस्य हमारी टीम्स के साथ गई हैं वुहान, ईरान, यहाँ से लोगों को वापस लाने के लिए, और साथ ही साथ क्वारंटाइन कैंप्स में भी इन्होंने मदद किया है क्वारंटाइन कैंप्स में ताकि लोगों की देखभाल हो। कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण राज्य के पशुओं को चारे की कमी ना रहे, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भूसा बैंक की शुरुआत की है। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में योगी सरकार को इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशुओं की भी चिंता है। सरकार ने बेसहारा मवेशियों और पशु पालकों की मदद के लिए पूरे प्रदेश में भूसा बैंक की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है लॉकडाउन के समय पशुओं के लिए लगातार चारा उपलब्ध रहे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंदर हम 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से गौवंश के भरण पोषण का भुगतान करते हैं, तो सबसे अधिक भूसा तो हम उसी धनराशि से क्रय करते हैं। लोगों का भी मानना है कि आपदा की इस घड़ी में पशुओं को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। और महत्वपूर्ण इसलिए अब जैसे एक महीने डेढ़ महीने से लॉकडाउन चल रहा है, अगर ये नहीं होती तो आप क्या खिलाते? तो स्टोर करते हैं हम, और करीब करीब अब तो हम लोगों ने 2 महीने का कर लिया 45 दिन के बजाय। इस सीजन में गेहूं की कटाई भी हुई है, जिससे पर्याप्त मात्रा में भूसा उपलब्ध है, जो और दिनों के मुकाबले कम कीमत पर उपलब्ध है। ये योजना पैसे की बचत के साथ साथ पशुओं को साल भर चारा भी आसानी से उपलब्ध करवाएगी। गौवंश को लॉकडाउन के समय सुरक्षित रखने के लिए योगी सरकार की ये महत्वपूर्ण योजना है, जो पूरे प्रदेश के अंदर चलाई जा रही है, जिसमें जो प्रदेश सरकार है वो जो भूसा है उसे खरीदती है, ताकि गौवंश जो अलग अलग जगह पर रहता है, चाहे वो गौशाला की बात करें, सरकारी गौशाला हो, वहाँ पर उन्हें किसी तरह के चारे की कमी ना हो। और इसके साथ साथ ही बड़े पैमाने पर ऐसे लोग भी सामने आए हैं जो लोग दान देना चाहते हैं, तो उनके द्वारा भी जो चारा है और जो भूसा है वो सुरक्षित रखा जाता है एक तरह से भूसा बैंक में, ताकि उसका प्रयोग उन जानवरों के लिए किया जा सके जिनका कोई नहीं है। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, मेरठ। 19 के संक्रमित मामलों का आंकड़ा 41 लाख
78,000 पार कर चुका है। वहीं दुनिया भर में 2,86,000 से ज्यादा लोगों की इस वायरस के कारण मौत हो गई है। अमेरिका कोविड-19 से सबसे ज्यादा और बुरी तरह प्रभावित होने वाला देश है। ताजा प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोविड-19 से संक्रमित मामलों की संख्या 13,47,000 से ज्यादा है। वहीं 80,000 से ज्यादा लोगों की इससे मौत हो चुकी है। और कोविड-19 की इस जंग ने दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। हमारे जीवन जीने का अंदाज ही बदल गया है। कई नई आदतें अब हमारे दिनचर्या का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। ये जंग भी हमारे अंदर कई सकारात्मक बदलाव ला रही है। तमाम ऐसे लोग जिनके काम को हम अनदेखा कर देते थे, उनकी अहमियत हमें अब महसूस हो रही है। तो आपको छोड़े जाते हैं अभिनेत्री दिव्या दत्ता के इस खास संदेश के साथ कि इस वक्त में जो भी सकारात्मक बदलाव हुए हैं उन्हें हमें जारी रखना है। एक बार फिर से आपसे अपील है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, घर में ही रहिए, खुद की सुरक्षा के लिए ही नहीं सभी की सुरक्षा के लिए सकारात्मक रहें, अफवाहों से बचें। नमस्कार। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहेंगे। मुझे दोस्तों से हर तीसरे दिन वीडियो कॉल करते हैं, अपनी वो गप्पे और रेसिपीज एक्सचेंज करते हैं। कहां मिलता है वो मौका भाग दौड़ की जिंदगी में, वो एक तमा चौकड़ी करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहेंगे। वो घर पे पुरानी एल्बम देखकर एक साथ बचपन की यादें ताजा करना, वो टी-शर्ट पजामे में आरडी बर्मन सुनते हुए मिलकर सफाइयां करना, वो मस्ती, वो पिलो फाइट्स, वो शरारत करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो जरूर करते रहेंगे। वो जो हर छोटी चीज समेट रहे हैं घर की, अब जब बाई आएगी तो इस बार सब सफाई उस पर नहीं छोड़ेंगे। एक मदद का हाथ देंगे और उसके चेहरे पे वो मुस्कुराहट भरते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहेंगे। वो जो नीचे चौकीदार भैया है ना, उनसे रोज का चाय नाश्ता पूछना, एक दुआ सलाम करना, घर से दूर है इसका एहसास कम करना, ये भी आते जाते करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहेंगे। वो गली के कुत्तों को हाय हेलो करके रोटी देना, वो गाती हुई कोयल की बोल समझना, वो छत पर जाकर कौओं के लिए पानी रखना, रब की इस कायनात से दोस्ती करते रहेंगे। जो गलत कर दिया था हमने, उसे ठीक करने का मौका मिला है, उस ठीक को हम और अच्छा करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो जरूर करते रहेंगे।